हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर। दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बनाते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम सीखते हैं। तो पहले चलिए हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ये देखिए आपके पास लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, हम लोग क्या है बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये क्या है फॉर्मेट है। इसमें देखिए लिखा हुआ सीए नंबर, यानी जो होता है कस्टमर नंबर होता है, जो बिल पे आपके बिल पे लिखा होता है। ये होता है मीटर नंबर होता है। यहाँ पे देखिए लिख रखा है ओल्ड मीटर रीडिंग, करंट मीटर रीडिंग, कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग, बिल अमाउंट। यानी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 तक आता है, यानी 200 यूनिट आता है, तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा। अगर मेरा 600 आता है तब कितना पेमेंट करना होगा। तो ये क्या एक फंक्शन है, इसको हम सीखते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, डेटा को फिलअप कर लेते हैं। हमारे पास है ओल्ड मीटर रीडिंग, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से ओल्ड में भर दिया कुछ भी। ठीक है, अगर नया होगा मीटर तो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो हमने यहाँ पर जीरो भर दिया है। यहाँ 450 है, यहाँ 120 है, इस तरह से हमने डेटा को भर दिया है। अब है करंट मीटर रीडिंग, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या होते हैं, रीडिंग लेने आते हैं। ठीक, वो रीडिंग लेने आए, आपका नया बिल लग गया, मीटर लग गया, जीरो था उसमें मीटर रीडिंग लेने आया, तो कितना मिला उनको, 120। यानी आपने कितना यूज किया होगा, 120 किया होगा। ठीक है, ये तो हो गया नए बिल की बात, हुआ नए मीटर की बात हुई। पुराने में भी ऐसा हो सकता है कि पिछले महीने का 450 यूनिट था, इस बार कितना हुआ, 651, तो कितना यूज किया आपने, ऑब्वियसली बात है कि 201 आपने किया होगा। ठीक है, यानी आप कैसे, आप लोगों ने निकाला, ऐसे निकाला होगा करंट मीटर रीडिंग माइनस ओल्ड मीटर रीडिंग। यानी हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, हम लोग करेंगे करंट में से माइनस ओल्ड मीटर रीडिंग, तो जितना हम लोग यूज करेंगे अपने आप ये आंसर बता देगा। तो कितना यूज किया आप लोगों ने, देखिए एंटर किया मैंने तो 120 आ गया। ठीक है, तो इसको इसी तरह से ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, अपने आप ये पूरा डेटा आ गया, यानी हम लोग ने कितना यूनिट इसको यूज किया है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेट। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। ठीक है, मैंने सिंपल तरीके से हमने डेटा को फिल किया है और ये तो प्लस माइनस हर व्यक्ति को आता है, सभी बच्चों को आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे निकालना है बिल अमाउंट, तो ये चीजें हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, लेकिन हम इसके पहले कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास कंडीशन है, जिसे आप लोग पता हो, केजरीवाल सरकार ने कह रखा है कि 200 यूनिट अगर आप यूज करते हो यूनिट, तो आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, इफ कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग इज 0 to 200, यानी अगर आपका जो यूनिट आया है, यानी जो आपने यूज किया है, कंज्यूम मतलब क्या होता है, उपभोग करना, वो अगर 0 से लेकर 200 के बीच में है। ठीक है, यानी 0 to 200, यानी इसके बीच में अगर कोई यूनिट आपके पास आता है, तो आपको कितना रेट देना होगा, देन रेट पर यूनिट 2 रुपीज चार्ज ऑन दिस कंज्यूम्ड यूनिट, यानी 2 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। यदि आपका कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग 201 से लेकर 300 के बीच में है, तब आपको 4 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक, ये हमारे पास कंडीशन दे रखा है। थर्ड कंडीशन क्या है, यदि कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग 301 से लेकर 400 के बीच में आता है, देन रेट पर यूनिट 6 रुपीज चार्ज ऑन कंज्यूम्ड मीटर यूनिट, तो आपको 6 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से हमारा लास्ट है हमारे पास कंडीशन, यदि कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग इज मोर देन 400, अगर 400 से ज्यादा हो, मोर देन यानी ग्रेटर देन, तब हम क्या करेंगे, 8.5 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने मार्कशीट में किया था इस तरह से कि हमें ग्रेड देना था, हमने क्या किया था कि हमारे वहां भी बहुत सारे कंडीशन था। ठीक है, यदि 90% ज्यादा हो तो ए ग्रेड देंगे, 80 ज्यादा हो तो बी ग्रेड देंगे, 70 ज्यादा हो सी ग्रेड देंगे, 60 ज्यादा हो डी ग्रेड देंगे, और 60 कम हो तो ई ग्रेड देंगे। ठीक है, हम लोगों ने किया था, किसे मार्कशीट में किए थे, यानी ग्रेड हमने निकाला था। अब आपको सीखना है कि ये जो फॉर्मूला निकलेगा कंडीशन के आधार पर निकलेगा, यानी पहला क्या है, सिंपल इफ। इफ मतलब क्या होता है, यदि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे का मार्क्स 33% से ज्यादा है तो पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ये होता है कंडीशन। जैसे हम लिखोगे इक्वल टू इफ, ये होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, कंडीशन, कि क्या कंडीशन लगाना चाहते हो। अगर कंडीशन आपने लगाया, अगर वो ऐसा होता है, ट्रू होता है, तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू लिख दो, अदरवाइज यहाँ लिखा हो फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू आप लिख सकते हो। आप लोगों ने मार्कशीट में किया था कि यदि लॉजिकल टेस्ट, यानी यदि परसेंटेज, आपने इस तरह से किया होगा कि यदि ये जो परसेंटेज है,
यानी मान लो ये कोई परसेंटेज है, अगर ये 33% से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, अदरवाइज क्या करते थे, फेल करते थे। तो हमने क्या कर दिया, फेल कर दिया, इस तरह से करते थे। तो हमने क्या करना है कि यदि मार्कशीट यानी यदि परसेंटेज 33% से ज्यादा हो तो पास करते थे, यानी ट्रू वैल्यू क्या है, पास है, फॉल्स वैल्यू क्या है, फेल है। यानी अगर जो आप कंडीशन लगाते हो अगर उस कंडीशन पे बिल्कुल खरा उतरता है तो आप उसको जो उसका रिजल्ट उसको दे दोगे, अदरवाइज उसको रिजल्ट से हटा दोगे, ठीक है। ये तो था सिंपल इफ की बात, ये था हमारे पास नेस्टेड इफ, यानी जो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे यानी मार्कशीट में आप लोगों ने जो किया था ये था आपके मल्टीपल कंडीशन के आधार पर, यानी नेस्टेड इफ के आधार पर था। बिल्कुल इसी की तरह होता है, सिंपल इफ में क्या होता है कि एक ही कंडीशन होता है, लेकिन नेस्टेड इफ यानी मल्टीपल इफ में क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन होता है। देखिए कितने सारे कंडीशन है ना, 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन है। तो जब भी ऐसा स्थिति आएगा तो आप लोगों ने मार्कशीट में नेस्टेड इफ लगाया था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों को मार्कशीट अच्छे से आता है तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब देखिए जो कंडीशन यहां पर है मैंने इसको इस तरह से लिख रखा है, यानी लिखने का तरीका क्या है। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहां पर देखिए लिख रखा है ग्रेटर देन 90%, यानी 90% से जो ज्यादा होगा उसी को ए ग्रेड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 90% से ज्यादा यानी 90 बनाएगा तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक, अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90% हो और इससे ज्यादा हो तो क्या करेंगे, ए ग्रेड देंगे। यानी इसमें क्या हो रहा था कि 90% से ज्यादा भी हो या उसके बराबर हो तो आपको ए ग्रेड देना है, ठीक। अब यहां देखिए कंडीशन को मैंने इस तरह से लिख रखा है, क्या लिखा है देखिए, यहां पर क्या है 0 से लेकर 200 के बीच में, तो मैंने क्या किया लेस देन इक्वल टू 200। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 से लेस देन कहां तक, 0 से लेकर 200 से नीचे तक, लेकिन अगर मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं तो 220 में शामिल हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में 2 रुपए के हिसाब से चार्ज होगा। इस तरह से इसमें मैंने किया है लेस देन इक्वल टू 300, इसका मतलब क्या होता है 300 से छोटा कहां तक, 201 तक, क्योंकि 200 तो इसमें शामिल हो गया, यानी 201 से लेकर 300 के बीच के बराबर इक्वल का साइन लगा दिया है। तो इसको 4 रुपए के हिसाब से करेंगे। इस तरह से इसमें हमने किया है कि अगर 400 से छोटा और 400 के बराबर हो तो 6 रुपए के हिसाब से करेंगे। और लास्ट क्या था मोर देन यानी ग्रेटर देन, यानी अगर क्या हो कि ये 400 यूनिट से ज्यादा है तो 8.5 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे। दोस्तों तो हमारा क्या हुआ, बेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो क्या होता है, पहले पिलर मजबूत करते हो, यानी हम लोगों ने क्या भी किया, हम लोगों ने बेसिक चीजें सीख लिया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में इसका रिजल्ट हम निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको कंडीशन भी दिखता रहे। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू इफ, यदि ये देखिए लॉजिकल टेस्ट है, यानी कंडीशन ये है, यानी ये जो है कंज्यूम्ड मीटर रीडिंग अगर ये लेस देन इक्वल टू 200 के बराबर हो तो कॉमा लगाएंगे। तो अभी देखिए क्या हाईलाइट हो रहा है, ट्रू वैल्यू, तो इसको क्या देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितने से, 2 रुपए के हिसाब से करेंगे। अब बस इसी चीज को दोहराते जाना है, फिर से लगाएंगे इफ, फिर क्या करेंगे, यदि ये लेस देन इक्वल टू 300 हो, यानी हमने कंडीशन लगा दिया, कौन सा कंडीशन, ये वाला, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज से। फिर से वही काम शुरू करते हैं, यदि ये लेस देन इक्वल टू 400 हो, यानी 400 के बराबर और 400 से कम, यानी ये वाला कंडीशन, तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 6 रुपए से करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग अभी क्या करते जा रहे थे, ट्रू वैल्यू तो करते जा रहे थे, लास्ट में जब भी कोई ऐसा चीज बचता है यानी फॉल्स वैल्यू में क्या होगा कि यदि ये सब कंडीशन को ये फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या था, मोर देन यानी 400 से ज्यादा जो भी आएगा उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 रुपए के हिसाब से, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से, और जितना ब्रैकेट हमने ओपन किया उतना हमने क्या करना है, क्लोज कर देना है, 1, 2, 3, ठीक है, 4 हो गया। जितना हम ब्रैकेट यहां कितना हमने ओपन किया, 1, 2, 3, तो क्या करेंगे, 3 क्लोज करेंगे। इसकी पहचान क्या है कि लास्ट में ब्लैक हो जाता है, जैसे आप इसको एंटर करोगे तो अपने आप देखिए रिजल्ट आ गया, इसको ड्रैग कर दीजिए। तो दोस्तों आप इसको चेक भी कर सकते हो, अब देखिए 120 आया है, 120 कौन सा है, फर्स्ट कैटेगरी का है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए सेकेंड कैटेगरी का है, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी बिल।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।